आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में बेहतरीन मुकाबला खेला गया। रॉयल चैलेंजर्स और सनराइजर्स के इस मैच की अगर बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आज के इस मुकाबले में टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद में पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी की टीम ने 192 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। अगर आज रन बनाने की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से विराट कोहली और फॉफ डु प्लेसी पहले बैटिंग करने के लिए आए, जिनमें विराट कोहली शून्य पर आउट हो गए और फॉफ डु प्लेसी ने 50 गेंदों में शानदार 73 रन बनाए, जिनमें 8 चौके और 2 शानदार छक्के भी शामिल थे। उसके बाद आए रजत पाटीदार बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने 38 गेंदों में 48 रन बनाए। पाटीदार के आउट होने के बाद में मैक्सवेल आए, इन्होंने 24 गेंदों में 33 रन बनाए। उसके बाद आए दिनेश कार्तिक और ये नॉट आउट रहे, 8 गेंदों में इन्होंने 30 रन बनाए। अतिरिक्त के रूप में मिले 8 रन और कुल मिलाकर के आरसीबी की टीम ने आज के मैच में 192 रन कंप्लीट किए। दोस्तों अगर बात करें बल्लेबाज ऐसे जो जिन्हों को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, इनमें महिपाल रोमरोर, शहबाज अहमद, वानिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, जोसे जलूर, मोहम्मद सिराज, इन खिलाड़ियों को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। पहला विकेट विराट कोहली के रूप में 0 के स्कोर पर, दूसरा विकेट 105 के स्कोर पर पाटीदार आउट हुए, 159 के स्कोर पर मैक्सवेल आउट हुए। दोस्तों अब आइए बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के बैटिंग के बारे में। 193 का स्कोर बनाना था, जिनमें आज की अगर बात करें तो आज सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से कोई भी खिलाड़ी नहीं चला, चाहे वो विलियमसन हो या शर्मा हो। राहुल त्रिपाठी ने 29 गेंदों में 46 रन बनाए और मार्करम ने 27 गेंदों पर 21 रन, 14 गेंदों में 19 रन पूरन ने दिया, जबकि जे सुचित ने 1 रन और अतिरिक्त के रूप में मिले 3 रन। तो कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आज बहुत ही पीछे रह गई और एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को इस 54वें आईपीएल के मैच में हार का सामना करना पड़ा और आरसीबी की टीम एक बार फिर से विजय हासिल कर चुकी है। इस मैच के बारे में और भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी क्रिकेट की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों इसी मैच के साथ में मैं अभी बताऊंगा कि आज ही के दिन चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में भी मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच 7:30 बजे से शुरू होगा, तो इस मैच को भी आप हाईलाइट और पूरी जानकारियां इसमें आपको मिल सकती हैं, तो आप हमारे साथ इस मैच को भी देख सकते हैं। ऐसी ही जानकारियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। आइए एक बार पूरी जानकारी देते हुए हम आपको पूरी हाईलाइट एक बार फिर से बता देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में बेहतरीन मुकाबला खेला गया। रॉयल चैलेंजर्स और सनराइजर्स के इस मैच की अगर बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आज के इस मुकाबले में टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद में पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी की टीम ने 192 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। अगर आज रन बनाने की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से विराट कोहली और फॉफ डु प्लेसी पहले बैटिंग करने के लिए आए, जिनमें विराट कोहली शून्य पर आउट हो गए और फॉफ डु प्लेसी ने 50 गेंदों में शानदार 73 रन बनाए, जिनमें 8 चौके और 2 शानदार छक्के भी शामिल थे। उसके बाद आए रजत पाटीदार बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने 38 गेंदों में 48 रन बनाए। पाटीदार के आउट होने के बाद में मैक्सवेल आए, इन्होंने 24 गेंदों में 33 रन बनाए। उसके बाद आए दिनेश कार्तिक और ये नॉट आउट रहे, 8 गेंदों में इन्होंने 30 रन बनाए। अतिरिक्त के रूप में मिले 8 रन और कुल मिलाकर के आरसीबी की टीम ने आज के मैच में 192 रन कंप्लीट किए। दोस्तों अगर बात करें बल्लेबाज ऐसे जो जिन्हों को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, इनमें महिपाल रोमरोर, शहबाज अहमद, वानिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, जोसे जलूर, मोहम्मद सिराज, इन खिलाड़ियों को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। पहला विकेट विराट कोहली के रूप में 0 के स्कोर पर, दूसरा विकेट 105 के स्कोर पर पाटीदार आउट हुए, 159 के स्कोर पर मैक्सवेल आउट हुए। दोस्तों अब आइए बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के बैटिंग के बारे में। 193 का स्कोर बनाना था, जिनमें
आज की अगर बात करें तो आज सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से कोई भी खिलाड़ी नहीं चला, चाहे वो विलियमसन हो या शर्मा हो। राहुल त्रिपाठी ने 29 गेंदों में 46 रन बनाए और मार्करम ने 27 गेंदों पर 21 रन, 14 गेंदों में 19 रन पूरन ने दिया, जबकि जे सुचित ने 1 रन और अतिरिक्त के रूप में मिले 3 रन। तो कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आज बहुत ही पीछे रह गई और एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को इस 54वें आईपीएल के मैच में हार का सामना करना पड़ा और आरसीबी की टीम एक बार फिर से विजय हासिल कर चुकी है। इस मैच के बारे में और भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी क्रिकेट की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों इसी मैच के साथ में मैं अभी बताऊंगा कि आज ही के दिन चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में भी मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच 7:30 बजे से शुरू होगा, तो इस मैच को भी आप हाईलाइट और पूरी जानकारियां इसमें आपको मिल सकती हैं, तो आप हमारे साथ इस मैच को भी देख सकते हैं। ऐसी ही जानकारियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। आइए एक बार पूरी जानकारी देते हुए हम आपको पूरी हाईलाइट एक बार फिर से बता देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में बेहतरीन मुकाबला खेला गया। रॉयल चैलेंजर्स और सनराइजर्स के इस मैच की अगर बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आज के इस मुकाबले में टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद में पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी की टीम ने 192 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। अगर आज रन बनाने की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी पहले बैटिंग करने के लिए आए, जिनमें विराट कोहली 0 पर आउट हो गए और फाफ डुप्लेसी ने 50 गेंदों में शानदार 73 रन बनाए, जिनमें 8 चौके और 2 शानदार छक्के भी शामिल थे। उसके बाद आए रजत पाटीदार बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने 38 गेंदों में 48 रन बनाए। पाटीदार के आउट होने के बाद में मैक्सवेल आए, इन्होंने 24 गेंदों में 33 रन बनाए। उसके बाद आए दिनेश कार्तिक और ये नॉट आउट रहे, 8 गेंदों में इन्होंने 30 रन बनाए। अतिरिक्त के रूप में मिले 8 रन और कुल मिलाकर के आरसीबी की टीम ने आज के मैच में 192 रन कंप्लीट किए। दोस्तों अगर बात करें बल्लेबाज ऐसे जो जिन्हों को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, इनमें महिपाल लोमरोर, शहबाज अहमद, वानिंदू हसरंगा, हर्षल पटेल, जोसे जलूट, मोहम्मद सिराज, इन खिलाड़ियों को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। पहला विकेट विराट कोहली के रूप में 0 के स्कोर पर, दूसरा विकेट 105 के स्कोर पर, पटीदार आउट हुए 159 के स्कोर पर, मैक्सवेल आउट हुए। दोस्तों अब आइए बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के बैटिंग के बारे में। 193 का स्कोर बनाना था, जिनमें आज की अगर बात करें तो आज सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से कोई भी खिलाड़ी नहीं चला, चाहे वो विलियमसन हो या शर्मा हो। राहुल त्रिपाठी ने 29 गेंदों में 46 रन बनाए और मार्करम ने 27 गेंदों पर 21 रन, 14 गेंदों में 19 रन पूरन ने दिया, जबकि जे सुचित ने 1 रन और अतिरिक्त के रूप में मिले 3 रन। तो कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आज बहुत ही पीछे रह गई और एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को इस 54वें आईपीएल के मैच में हार का सामना करना पड़ा और आरसीबी की टीम एक बार फिर से विजय हासिल कर चुकी है। इस मैच के बारे में और भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी क्रिकेट की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों इसी मैच